नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बेटे बेटियों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेशों के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आम लोगों को ढोंगी बाबाओं के पीछे भागने के लिए कहते हैं। और यह सब कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल ने। दरअसल राजद की ओर से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया है और बताया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बेटे बेटियों को तो दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, लेकिन आम लोगों को ढोंगी बाबाओं के पीछे भागने के लिए कहते हैं, आम लोगों को धर्म के नाम पर अलजलूल हरकत करने के लिए कहते हैं। और यह सब राष्ट्रीय जनता दल का ये जो ट्वीट आया है उस समय आया है जब बिहार से बाबा बागेश्वर की विदाई हो चुकी है। और बाबा बागेश्वर के दौरान जब बिहार का दौरा हुआ था तो उस दौरान देखने को मिला था कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा बागेश्वर के सामने नतमस्तक थे और इसे लेकर के तब भी राजद की ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया था। तो अब ट्वीट करके राजद ने देखिए कैसे भाजपा के नेताओं को निशाने पर लिया और बताया है कि वे आम लोगों को बरगला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में यह लिखा गया है कि ढोंगियों के पीछे भागने वालों, ये देखो बिहार के बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गर्व से बता रहे हैं उनकी भांजी अमेरिका जाकर पढ़ रही है। एक ढोंगी की आरती उतारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से एमपी रविशंकर प्रसाद गर्व से बता रहे हैं कि उनकी बेटी विदेश में पढ़ रही है। वहीं ढोंगियों की आरती उतारने वाले केंद्रीय मंत्री और एमपी का बेटा विदेश में नौकरी करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल ने इसमें यह भी सवाल किया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बेटे बेटियों पोते पोतियों को मिशनरी स्कूलों तथा विदेशों में पढ़ाते हैं, ये आपके बच्चों को धर्म के नाम पर हिंसा में झोंकते हैं, ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे दौड़ने को उकसाते हैं। और इसमें एक फ़ोटो भी ट्वीट की गई है जिसमें अलग तरीके से अलग अलग नेताओं को निशाने पर लिया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को इंगित किया गया है। दरअसल संजय जायसवाल ने बताया था कि उनकी भांजी बर्कले यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर अपने भविष्य के रास्ते पर निकल गई है। तो संजय जायसवाल ने इसमें कहा था कि उसने अपनी मेहनत से अमेरिका जाकर इकोनॉमिक्स और डाटा साइंस जैसे विषय में यह मुकाम हासिल किया है। संजय जायसवाल ने इसमें यह भी कहा था कि सबसे खुशी यूसी बर्कले के इंस्टाग्राम को देखकर हुआ है क्योंकि उसमें भी उनकी भांजी भूविका मौजूद है। उन्होंने अपनी भांजी को लिखा है कि तुम्हें भविष्य के जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरे ट्वीट में रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी बताया है कि मेरी प्यारी बेटी अदिति MIT बॉस्टन से कल आई है, उसने वहां से MBA पूरा किया है और उन्होंने ये बताया है कि यह उनके लिए एक बेहद स्मरणीय पल है, वे अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। जबकि MP के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान को अमेरिका में LLM की डिग्री मिली तो उन्हें भी बधाइयों का तांता लगा, ऐसा भाजपा की ओर से बताया गया था। तो इन सबके बीच जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कई धर्मगुरुओं के पीछे खुद को खड़ा देखते हैं, और इतना ही नहीं जब बिहार में बागेश्वर धाम के वाले धीरेन्द्र शास्त्री आए तो उनके कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जिस दल के नेता दिखे थे उसमें भाजपा के चेहरे शामिल थे और बड़े स्तर पर उस कार्यक्रम का गुणगान करते भाजपा के नेता नहीं थके थे। दूसरी ओर आम लोगों से भी बार बार भाजपा के नेताओं ने अपील की थी कि हमें ऐसे जो धर्मगुरु हैं, ऐसे जो कथावाचक हैं, ऐसे जो प्रवचनकार हैं, इन लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और धर्म के लिए खुद को सजग और सतर्क रखना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बेटे बेटियां जब विदेशों के यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो उसी को लेकर के अब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आम लोगों को बताया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के वे नेता हैं जो आपको आपके बच्चों को ढोंगी बाबाओं के पीछे भागने के लिए कहते हैं और खुद के बाल बच्चों को पढ़ने के लिए मिशनरी स्कूल में भेजते हैं,
खुद के बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, नाते पोते पोतियों को पढ़ाने के लिए विदेशों में भेजते हैं और उस उपलब्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि वे तो अपने बेटे बेटियों को अच्छे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भेज करके वहाँ पढ़ाते हैं और आम लोगों को बरगलाते हैं कि आप धर्म के नाम पर हिंसा में शामिल हो जाइए, आप धर्म के नाम पर ढोंगी बाबाओं के पीछे हो जाइए। ऐसे में ज़रूरत है कि भाजपा के इस दोहरे चरित्र को समझने की और उससे बचने की। तो राष्ट्रीय जनता दल का यह जो ट्वीट आया है, भाजपा को निशाने पर लिया गया है। इसके बाद अब आगे क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।